नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। काशी में दिव्यांगों ने पहली बार किया योग, 40 संस्थाएं हुई शामिल, महावीर सेनानी कराया जलपान। 8वां विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को प्रियांशी महिला सेवा संस्थान की अध्यक्ष सुधा दीक्षित के नेतृत्व में विकास खंड हरहुआ के अवसान पर स्थित दिव्यांग विद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के योग के गुर सिखाए गए। इस दौरान प्रमुख रूप से रश्मि दीक्षित, रूमी पांडे, पंकज दीक्षित, अशोक रमेश समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। काशी में अलग अलग जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। काशी में पहली बार दिव्यांगों ने योग कर लोगों के अंदर योग करने का उत्साह जगाया। इस योग शिविर में वाराणसी के 40 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। वाराणसी में पहली बार दिव्यांगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया व लोगों को निरोग रखने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम का संयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व कमिश्नर कमलेश पांडे वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न संस्थाओं ने भी योग शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। योग कार्यक्रम में महावीर सेना के पदाधिकारियों ने योग शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। योग शिविर में शामिल हुए सभी लोगों को जलपान भी कराया गया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।